दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंगलवार यानी आज 9 जुलाई को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया है। बता दें कि मामले में एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड का एक बांग्लादेशी भी है। वहीं पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर, जिसकी पहचान विजया कुमारी के रूप में हुई है, बता दें कि वह दिल्ली के सरिता विहार के एक अस्पताल में कार्यरत थी। हालांकि उसने नोएडा के एक अस्पताल में करीब 16 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मदद की थी। वहीं पुलिस की जांच में पता चला था कि डॉक्टर दिल्ली के अस्पताल में पेरोल पर थी। एक प्रेस बयान में अस्पताल ने साफ किया है कि डॉक्टर कुमारी पेरोल पर नहीं थी। इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था, और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों से बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते हैं? वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करते थे, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करते थे। और अस्पताल की कोई भूमिका अभी तक? अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जांच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। सर, ट्रांसप्लांट करने से पहले एक इंटरव्यू होता है जो एक पैनल करता है, तो क्या और भी लोगों की मिलीभगत क्या देखने की हो सकती है? नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिलीभगत निकलेगी उनके लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर, जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी, तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल है इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना, उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते हैं। भारत या यूके दिल्ली को ये सब क्यों करते, इसी को क्यों टारगेट बनाए थे उन्होंने? उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों, अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से उसे कार्रवाई की जाए। सर, सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी, कुछ ने, एक दो ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही है। लगभग कितने पैसे का सर लेन देन होता, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें, जो रिस्पेंट देता था? जो रिस्पेंट या पेशेंट है वो कम से कम 20-25 लाख पूरे केस में देता था, उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेते। सर, कहीं कोई प्रशासनिक मिली भगत या ऐसा कुछ अभी तक की जाँच में आया हो? नहीं अभी तक। ठीक है सर, थैंक यू।